हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ हल्दी वाला दूध, जिसके लिए मैंने एक पैन में एक चम्मच मैंने मक्खन डाला था और साथ ही उसके बाद एक चम्मच मैंने हल्दी डाल दी। हल्दी डालने के बाद मैं इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हल्दी हमारे लिए बहुत अच्छी है, यह हमारी जिस्म की बीमारियों को दूर रखती है। आप देख सकते हैं कि मैंने मक्खन और हल्दी का तड़का लगा लिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। इसके अंदर आप देख सकते हैं छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं। अब हम इसके अंदर एक कप दूध डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इस दूध को उस टाइम तक पकाना है जब तक इसके अंदर बबल्स ना आ जाएं। यह हल्दी वाला दूध हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप ये अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। कमर दर्द के लिए भी ये बहुत अच्छा दूध है। इससे कमर दर्द, अगर कमर में दर्द हो रहा हो और यह हल्दी वाला दूध पिया जाए तो कमर का दर्द दूर हो जाता है। अगर आपकी टांगों में दर्द है या आपके जिस्म में दर्द हो रही है, आप ये गर्म हल्दी वाला दूध बना के आप पी सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने इसके अंदर, इस दूध के अंदर पंजीरी डालूंगी जो मैंने तैयार की हुई है। पंजीरी डाल के इसका टेस्ट बहुत 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 ज़्यादा मज़े का हो जाता है और मज़ा आता है दूध पीने में भी। आप सब भी ये दूध ज़रूर बनाइएगा और आप सबको भी बहुत मज़ा आएगा ये दूध पीकर। जब तक ये दूध तैयार हो रहा है, मैं आप सबको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ हल्दी दूध के। हल्दी है वो पेट को, जो ज़्यादा पेट भरा होता है उसको कम करती है, मोटापे को ये कम करती है। 70 बीमारियों का ये इलाज है हल्दी। दिल कैंसर हो या आँखों का दर्द हो या आँखें ख़राब हो या दांत का दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। आँखों के नीचे जो हल्के पड़ जाते हैं उनके लिए, या एक्ने हो जाती है बहुत से लोगों को। और ये सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये चेहरे की जो है खूबसूरती, उसको बहुत अच्छा निखार देता है। ये जिल में निखार पैदा करता है और ये बेशुमार बीमारियों का इलाज है हल्दी। अगर आपको जिस्मानी थकावट का खात्मा, ये अगर जिस्मानी थकावट हो तो उसका खात्मा भी ये करता है। हल्दी दूध पीने से चेहरे का रंग बहुत ज़्यादा गोरा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर पंजीरी डाल दी है और मैं अब इसको अच्छी तरह से हिलाऊंगी, मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद आप देख सकेंगे इसके अंदर बबल्स आएंगे। जब बबल्स आ जाएंगे तो मैं मग में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आने लग गए हैं। ये अभी अच्छी तरह से मैं इसको पकाऊंगी। पकाने के बाद मैं इसको एक कप में निकाल लूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देखें, अब मैं डालने लगी हूँ एक कप में। ये दूध बिल्कुल तैयार है। आप रोज़ जाना ये एक कप दूध रात को सोने से पहले पिए, सारे दिन की थकावट ये दूध पीने से दूर हो जाएंगी। और अपने बच्चों को भी ये दूध ज़रूर पिलाइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा।